हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुश और आप देख रहे हैं एक नज़र में। वैसे तो इंडिया में आज के समय में महिला जादूगर की बात करें तो कई महिला जादूगर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक ही नाम है जो आज के समय में सबके दिलों पर राज कर रही है और सभी लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं। आप तो समझ गए होंगे कि वह कौन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया के मोस्ट पॉपुलर मैजिशियन सुहानी शाह के बारे में। इनका जन्म 29 जनवरी 1990 को राजस्थान के उदयपुर में एक सामान्य परिवार में हुआ था। इनके पिता चंद्रकांत शाह एक फिटनेस कंसलटेंट और फिटनेस ट्रेनर हैं। इनकी माता स्नेहलता एक हाउसवाइफ है। इसके अलावा इनका एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम गीत शाह है और इनकी भाभी का नाम रिंको शाह है और ये अपनी भाभी की लाडली हैं। तो चलिए बात करते हैं इनके बचपन के बारे में। तो इनके जन्म के कुछ साल बाद इनकी पूरी फैमिली अहमदाबाद में आकर शिफ्ट हो गई और वहीं पे इन्होंने 5 साल की उम्र में एक जादू शो देखा और तभी से इनके मन में जादूगर बनने की इच्छा प्रकट हुई और ये अपने पापा को बोली कि पापा मुझे भी जादूगर बनना है। लेकिन इनके पापा इनके बातों का ध्यान नहीं दिया। फिर इन्होंने दोबारा बोला, पापा मैं तो जादूगर बनूंगी। तो इनके पिता ने इस बात को गंभीरता से लिया और इनको ट्रेनिंग दिलाना शुरू कर दिया। फिर 22 अक्टूबर 1997 को अपना पहला स्टेज शो किया जिसमें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शंकर सिंह बघेला भी मौजूद थे और ये शो सुपर हिट हुआ और शंकर सिंह बघेला ने इनकी जमकर तारीफ की। आपको बता दें कि सुहानी पहली कक्षा के बाद कभी स्कूल नहीं गई है क्योंकि शो के लिए इनको बाहर आना जाना पड़ता था और ये घर पर ही पढ़ाई करने लगी। इनको पढ़ने का तो बहुत ही शौक था और तरह तरह की किताबें घर पर ही लाकर पढ़ा करती थी। धीरे धीरे ये बहुत कुछ सीखी और साथ में अपनी तैयारियां भी करती रही और 1999 में इन्हें बेस्ट म्यूजिशियन का अवार्ड भी मिला। तब एक शो के मंच पर भारत के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत ने इनकी तारीफ करते हुए कहा था कि ये बच्ची तो बहुत ही कमाल की है। यही नहीं, बड़े बड़े नेता और बॉलीवुड स्टार भी इस नन्ही सुहानी के कदरदान हो गए थे और 1999 में ही मैजिक एसोसिएशन ने सुहानी को जादू परी के टाइटल से नवाजा। ये इंडियन न्यूज़ के बताती है कि इनके पापा ने कहा था कि करना है तो कुछ बड़ा करो, ये स्कूल फंक्शन में शो करने से क्या होगा। और ये अपने पापा को अपना आदर्श मानती है। आपको बता दें कि ये 9 साल की उम्र में अमेरिका भी गई और वहाँ हैरी पॉटर के जमीन पे सुहानी मैजिक क्वीन बन गई। अमेरिका से लौटने के बाद मानो कि इनके सपनों के पंख लग गए। जादू की अकेली आगाज करने वाली सुहानी की टीम में 40 लोग जुड़ गए। अपनी लाडली के ये काम को देखते हुए इनके पिता अपना काम छोड़कर इनके शो के मैनेजमेंट को देखने लगे और माता बैक स्टेज तैयारियां करने लगी। सुहानी स्कूल तो नहीं गई लेकिन मैजिक शो के अनुभव ने वक्त से पहले इन्हें समझदार बना दिया। आलम यह था कि कई जगह लोग इन्हें देवी के अवतार बताने लगे थे लेकिन सुहानी ने हमेशा से इस अंधविश्वास का खंडन करती रही और लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। सुहानी बताती है कि एक बार वो कानपुर में थी तो कहीं चोरी हुई थी। आप हमें बताइए जादू से इसके चोर कौन है? लोगों ने सुहानी से कहा कि मैं इतने बड़े बड़े लोगों को देख रही हूँ, मुझसे इतने विचित्र सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ गड़बड़ है। जादू तो एक कला है और लोग मुझे धीरे धीरे समझ पड़ा कि लोगों की साइकोलॉजी ऐसी है। तब सुहानी ने सोचा कि लोगों की साइकोलॉजी ऐसी है, फिर उन्होंने साइकोलॉजी की तरफ रुख किया ताकि लोगों को इस अंधविश्वास से निकाला जा सके। 6 साल लगातार मेहनत करने के बाद 13 साल की उम्र में कोरिया के सरकार ने सुहानी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और कोरिया के बच्चों को सुहानी के स्ट्रगल से बहुत कुछ सीखने को मिला और इनकी डॉक्यूमेंट्री ने बहुत बच्चों को प्रेरित भी किया। आंखों पर पट्टी बांध के तेज कार चलाने के हुनर में भी सुहानी ने महारत हासिल कर रखी है। और आपको ये भी बताते चलें कि देश विदेश में सुहानी ने अब तक 5,000 से ज़्यादा मैजिक शो कर चुकी है और यह सिलसिला अभी भी जारी है। जादू तो एक कला है और इसी कला के बदौलत सुहानी अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज करवा चुकी है। 13 साल की उम्र में मैजिक में रंग चुकी सुहानी ने अपने अनुभव को किताब के रूप में लाने की ठानी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि इनको शुद्ध हिंदी और इंग्लिश लिखना नहीं आता था। फिर इन्होंने मेहनत किया और इंग्लिश की बारीकी सीखी और 15 साल की उम्र में इनकी पहली किताब अनलेस योर हिडन पावर दुनिया के सामने आ गई। सुहानी की लगभग 5 किताबें
पब्लिश हो चुकी है और आगे भी 2-3 किताबें आने वाली हैं। आपको ये भी बता दें कि सुहानी रात को 1 बजे से सुबह 5 बजे तक किताबें लिखती है और उसके बाद ही सोती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सुहानी मैजिशियन के साथ साथ साइको काउंसलर भी है। इसके अलावा सम्मोहन विज्ञान से भी लोगों का इलाज करती है। जब YouTube इंडिया में लॉन्च हुआ था तब सुहानी उद्घाटन समारोह में खास मेहमान बनी थी। फिर देश दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां सुहानी को लेक्चर देने के लिए बुलाने लगी और अभी भी बुलाती है। जो लड़की कभी स्कूल में नहीं पढ़ पाई उसने मैनेजमेंट के दिग्गजों को जिंदगी जीने का तरीका सिखाया। सुहानी ने 2008 में एक थेरेपी सेंटर भी खोला जिसमें लोगों का कई तरीकों से इलाज होता है। सुहानी लगातार काम करती रही, ना ही फिल्में देखती और ना ही मौज मस्ती करती, लेकिन सुहानी को टेनिस खेलना बहुत पसंद है। इनको स्विमिंग से भी बहुत लगाव है और 7 साल की उम्र में स्टेट चैम्पियन बन गई थी, लेकिन आज गहरे समुद्र में स्क्रूबा ड्राइविंग करती है। 7 साल की उम्र में स्टेट चैम्पियन बन गई थी लेकिन आज गहरे समुद्र में स्क्रूबा ड्राइविंग करती है। इनकी अपने परिवार के साथ समय बिताना बहुत ही अच्छा लगता है और कुछ महीने पहले यह संदीप महेश्वरी जी के शो में भी गई थी और बॉलीवुड के टीवी शो और अन्य शो में भी जाती रहती हैं। इन्होंने 21 अक्टूबर 2007 में एक YouTube चैनल भी शुरू किया था जिस पे आज के समय में 32 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और अपना ब्लॉग मैजिक शो से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती रहती है। इसके अलावा इनका एक शॉर्ट चैनल भी है जिस पर ये शॉर्ट वीडियो डालती रहती है। तो ये थी कहानी सुहानी शाह की। तो दोस्तों कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।